बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनों हज़रात। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और अभी आज है मंडे का दिन। अभी मैं आया हूँ ऊपर तोतों की तरफ। मेरे बैग पे आप देख रहे हैं तोते। तो हमारा कुछ दिनों से प्लान बन रहा था, जैसा कि आपने देखा है कि लास्ट दो तीन दिन पहले हम मंडी गए थे, वहाँ पर हमने कुछ एक दो चीज़ें लेनी थी लेकिन हमें नहीं मिली। तो अभी मैं आया हूँ ऊपर। तो मेरा प्लान बन रहा था आज वैसे बतख डक के बच्चे लाने का ना, तो उसके लिए जाना पड़ेगा कॉलेज रोड। तो कॉलेज रोड जाने के लिए किसी का वेट कर रहा हूँ, अब्दुल्ला या उमैर भाई में से कोई आएगा तो हम जाएंगे, अगर वो ना हो तो मैं अकेला चला जाऊँगा। अभी मैं आया हूँ ऊपर, और ऊपर आप देखें जी, इनकी जो अपडेट है वो जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बच्चे दिखाए थे ना, जो इस बॉक्स में थे, वो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह वो सारे बाहर आ गए हैं। वो ऊपर बैठे हुए हैं, मिड वाला जो है उसको निकाल के जो साइडों पर दो हैं वो, और नीचे जो हैं ये भी दो जो हैं वो अपने बॉक्स से बाहर आ गए हैं माशाल्लाह। इनका कलर बहुत प्यारा है इनका। और अभी इनको डाला है, इनका ब्रेकफास्ट टाइप इनको डाला है, ये सारे खा रहे हैं। ये होगोरोमो में एग्जीबिशन, और ये भी आप देख सकते हैं वाइट में। ये जो होगोरोमो एग्जीबिशन के जो बच्चे जो बिल्कुल तैयार होकर बाहर आते हैं, जो सेल्फ हो जाते हैं, जो खुद खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको फिर ये यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। अभी ये भी माशाल्लाह बच्चा है घर का, ये सारे घर के हैं माशाल्लाह ये सारे। अभी ये बॉक्सेस से निकल के आए हैं तकरीबन, ये इन सब के भी हैं अंदर ही। ये थोड़ा सा डरते हैं, इस वजह से मैं करीब जाऊँ तो वो करते हैं, देखा आपने। और ये भी माशाल्लाह ब्रीडिंग इनकी भी हुई कर रहे हैं। और इसमें इनके बच्चे थे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए माशाल्लाह ये तीन चार कलर के हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, और बहुत ही प्यारी ब्रीड है ये माशाल्लाह। हमारे घर की ब्रीड है अपनी, और ये इन दोनों के बच्चे हैं। ये जो दो बैठे हुए हैं ये इन दो के बच्चे हैं, और ये बहुत ही प्यारे हैं माशाल्लाह। अभी बहुत थोड़े छोटे हैं अभी, ये ब्लू में है, एक दो वाइट में है पीछे, ठीक है, बहुत ही प्यारा। और ये अपने वालदैन की तरह है ये वाला। अभी आपको शायद आवाज़ आ रही हो इनके बच्चों की। ये जो मेल है ये इनके लिए फीड लेके जा रहे हैं अंदर, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इन जाके बच्चों को खिलाएगा, इसको चेक करते हैं, इसमें इनकी फीमेल होगी। देखिए माशाल्लाह बहुत छोटू छोटू से हैं, अभी ये चार हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी इनके जो अम्मी हैं, ये यहाँ से आपको नज़र आ रही हो, वो इनको खाना खिला रही है। और अभी इनके खाने का टाइम है फीड का, और ये भी वापस आना चली जाए, चलो जाओ। इनके लिए लेके जा रहा है, और वो इनकी माँ है, और ये अभी चली गई अंदर। ये भी पेयर बहुत अच्छा है माशाल्लाह, ये भी होगोरोमो में है हमारे पास। ये भी बहुत प्यारा कलर है, ये भी हमारे घर की ब्रीड है अपनी। और भी ये देखिए माशाल्लाह, ये इन दोनों के ये बच्चे हैं माशाल्लाह। ये बिल्कुल छोटू छोटू से हैं, अभी बाल वगैरह निकाल रहे हैं। क्योंकि बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको हम रिंग डालते हैं अपने घर का, अपने ब्रीड का, ताकि वो हमारा उस पर नाम चले। ये भी जो भी बच्चे आपको दिखाए थे, इसके पाँव में हम रिंग डाल रहे हैं, ये देखिए रिंग। और ये मुझे तो इतना आइडिया नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन ये देखें आप, इसको भी रिंग डाल पहना रहे हैं हम लोग। ये 2021 का 22 का है, ये 23 का, ये 2023 का रिंग है इसका, जो 23 में जाके तैयार होगा। छली ये आप देखे होंगे, जो मकई होती है छली होती है, इनको हर रोज इतना कुछ पीस डाला जाता है और ये सारी खा जाते हैं। तो ये पड़े कुछ तीन चार दिन पहले की भी पड़ी हुई है, और आज की भी फैशन के लिए ये है। और ये कि रोज़ बना के अंडे के साथ होती है माशाल्लाह। देखें बच्चे किस तरह छली मकई की खा रहे हैं, ठीक है। इसे शुरू से इनको दी जाती है ताकि इनकी हेल्थ और जो इनकी जो ग्रोथ होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। सारे घर के बच्चे हैं अभी, आस्ता आस्ता ये देखें, अभी वालदैन से अलग हुए हैं ये सारे। ये तो बीच में बड़ा है, ये मेरे बैठा हुआ है अंकल, बाकी जो है वो छोटे हैं। ये इनका दाना होता है, इसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना वो मिक्स होती हैं, ठीक है, आपको नज़र आ रही होंगी। और ये इनका जो पुराना निकलता है गंद हुआ, उसको फिर दोबारा साफ़ किया जाता है, और दाने साफ़ इस मशीन में किया जाता है सारा, वो साफ़ होता है और दोबारा वहाँ से बाहर निकल के साफ़ होकर आ जाता है। इसके पाँव में हमारा जो है वो रिंग डल गया है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा छोटा सा बच्चा है। हमने वैसे प्रॉपर सेटअप बनाया हुआ है तोतों का ऊपर, लेकिन मेरा प्लान था, मैंने भाई से भी बात की है, हमारा प्लान था कि हम इसमें ना मज़ीद इजाफा करें और चीज़ों को भी ऐड करें, उसमें आपको भी हर रोज़ की जो अपडेट है वो दिया करें, आपको शो कराया करें इनका, इनकी ब्रीडिंग का। अगर इस तोतों के हवाले से अगर कोई भाई देख रहा है तो उसको कोई भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो फ्रीली आप कमेंट में पूछें, हम आपको लाजमी बताएँगे, उसके बारे में भी पूरा बताएँगे।
तोतों की अपडेट भी आपको वीक में या वीक में एक दो बार मिलती रहेगी सारी जो इनकी होगी। और अभी आज हमारा जो प्लान है डक्स का वो चेक करते हैं कि इससे पहले हमने फार्म हाउस पे जंग में शायद रखी थी रैबिट्स और वो डक्स वगैरह थी, लेकिन यहाँ पे घर में कभी नहीं रखी, तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। तो वो आज जाते हैं, देखते हैं क्या हिसाब किताब है, तो कितनी लेनी है और क्या हिसाब होगा। ये सारा रोज़ इनका पानी वगैरह चेंज होता है, इसमें इनकी बैग लगी होती है ना पानी की, जो बोतल होती है ग्लास टाइप होता है, तो सारा इनका रोज़ हर रोज़ वॉश होकर दोबारा चेंज होता है सारा। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने छत पे ना ये बनाई थी, ये गमला, ये पॉट जिसको बोलते हैं आप, गमला टाइप बनाया था मैंने ना, ये बहुत ही खूबसूरत मैंने इंटरनेट से देखा था, तो मैंने सोचा था कि मैं अपने लिए बनाऊंगा हम घर छत पे रखने के लिए, लेकिन ये शादी पे बच्चों ने तोड़ दिया सारा, यहाँ से इसको तोड़ा है और यहाँ से इसको तोड़ा है, जिसकी वजह से ये डैमेज हो गया है, अभी बेकार हो गया है। इसकी मैं जो रियल इमेज है जो जिसको देख के मैंने बनाया था वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आप उस पर देख लेना किस तरह का था। ये चुकंदर और गाजरें हमारी जो हैं वो काफ़ी बड़ी हो गई हैं, ये आपको मैंने लास्ट टाइम भी दिखाई थी तो तब ये निकल रही थी। क्यारी में ये भी मूली है मेरे ख्याल में, ये कलमें लगी हुई हैं गुलाब के बीच में, ये मुझे नहीं पता किस चीज़ का है अभी, ये भी मूली है और ये भी मूली का पौधा है और ये भी मूली का पौधा। इस क्यारी में बहुत कम चीज़ें उगी हैं, इसको दोबारा भी हम रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे इसमें इसके बाद क्या कोई फूल वगैरह लगाएं या क्या लगाएं। ये था जी तोतों का छोटा सा टूर, तोतों की अपडेट, तो वो मज़ीद आपको एक प्रॉपर तरीके से भी देता रहूँगा। और अभी मुझे होना है रेडी होकर मुझे जाना है, दो काम है, उसके बाद मैं अब्दुल्ला का और मेहर भाई का वेट करूँगा, फिर वो लोग आएँगे तो हम लोग जाएँगे कॉलेज रोड और देखते हैं, अगर वो लोग नहीं आते या वो साथ ना गए तो फिर मैं अकेला चला जाऊँगा। तो मुझे बहुत दिनों से शौक हो रहा था कि मैं बतखों के डक के जो छोटे बेबी बच्चे होते हैं ना, मैं वो लेके आऊँ और उसको रखें और मज़ीद इस चीज़ों में एडप्ट करें। तो अभी दो काम है वो करके मैं वापस आता हूँ, फिर उसके बाद अब्दुल्ला के साथ या उमर भाई के साथ जाऊँगा मैं कॉलेज रोड, और वहाँ से हम ले कर आएँगे जो मैंने आपको बताया है। अच्छा जी, अभी हम लोग कॉलेज रोड पहुँच आए हैं और भी शायद आपको शोर नज़र आ रहा हो, शोर सुनाई दे रहा हो, नज़र नहीं आ रहा हो, तो यहाँ पे अभी चेक करते हैं क्या हाल अहवाल है। अभी हम लोग ले रहे हैं दाने, दुने में गर्म दाने ले रहे हैं, और जैसे हमें कॉलेज रोड है, कॉलेज रोड उस साइड से अगर आप आएँ तो कमेटी चौक सेंटर होता है, और इस साइड से अगर आप आएँ तो लियाकत बाग से या ट्रोजा कंपनी साइड से आप आ सकते हैं। सारा कॉलेज रोड है, यहाँ पर आपको हर तरह का परिंदा मिलेगा, हर तरह का जानवर परिंदा यहाँ से मिल जाता है, ईज़िली मिल जाता है। बड़ा ज़बरदस्त शॉट लिया है खान जी ने, तो यहाँ से अभी चेक करते हैं क्या मामलात हैं, उसके साथ दाने खा के चलते हैं। बहुत प्यारा है, खाने में गा रहा है, और ये गुली ये भी बड़ी टाइप की है, बच्चा है थोड़ी डस्ट है सारी, इनको भी खान जा रहा है। ये कबूतर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह शाइन दे रहा है, जिस तरह इतना खड़ा हुआ है ना, बहुत ही खूबसूरत है। ये पेड़ है साथ है ये भी, और नीचे भी काफ़ी सारे हैं। मुझे जो चाहिए ना बत्तख के बच्चे वो ये वाले हैं, ये वाले इतने इतने ना इतने, हम अभी देखते हैं, अभी पहले एक पता लेना है हमने, उसके बाद उनको डिसाइड करते हैं इनमें से। बड़ा प्यारा छोटा सा पपी है, कुत्ते का बच्चा, बहुत फ्रेंडली लग रहा है। तो हम लोग लेने वैसे बत्तख के बच्चे आए थे, तो हम लोगों को साथ ये भी दो तीन लिए हैं, ये भी एक दोस्त ही था उसने बताए हैं अभी, तो इसको भी डलवाते हैं पिंजरी में, उसके बाद ये सैना मैना जो है ना इनमें से दो लेने हैं हम लोगों ने। बहुत शोर है हमें कुत्तों का बिल्लियों का, इसको भी हम पिंजरी में करवा रहे हैं, छापर में बहुत मुश्किल हो रही थी, हमने करवा लिए जी। ये जापानी बटेरे हैं और बहुत प्यारे हैं ये भी माशाल्लाह, ये तीन लिए हमने, दो फीमेल एक मेल, ठीक है, डक के बच्चे लिए दो, इनको पिंजरी में ही कर रहे हैं। तो हमने ये लिए हैं जी माशाल्लाह, एक बच्चे हैं और तीन हमने ये लिए। अच्छा जी, काफ़ी शोर और घूमने के बाद ना हम लोगों ने ये दो चीज़ें ली हैं, तो अभी चलते हैं घर, काफ़ी टाइम हो गया, हम लोग घूमने घर भी जाने हैं, और घर जाकर इनको पे देखते हैं क्या बंदोबस्त करना है इनका, ले तो लिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। डक्स जो हैं जी वो आ गई हैं घर पर फाइनली, और अभी थोड़ा सा डर रही हैं, थोड़ी सेमी भी हैं असल में, और यहाँ पर इनके लिए ये जगह भी है, और वैसे तो ये अंदर रहेंगी जो है, इनको ये भी घर आ गए हैं, लेकिन इनको बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि इनका पता नहीं है कि उड़ेंगे या पता नहीं क्या करेंगे, बहुत तेज़ होते हैं भाग ना जाए, इस वजह से फिर चलो अभी ये इन दो को जो है बाहर निकाले, और इनको कुछ जालते भी हैं,
और इनको भी, इनका भी कोई बंदोबस्त करते हैं कहीं पर रखने का इनको। ये जी इसने आवाज़ किया है घर में आके सबसे पहले। ये दूसरे में ली थी, मेरे भी तीन मेल है, एक हमने वाइट में ली थी और एक हमने ब्लैक में ली थी। और इनका जो मेल है, मेल बहुत प्यारा है इनका, ये मेल है माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत प्यारा है, बड़ी खूबसूरत इसकी है बनावट। ये मिक्स में है दोनों का, दोनों को फिलहाल इसमें रखे हैं। नीचे भूला भी है और ये थोड़ी भूखी भी हुई है, इनके बड़े खुला खाना डालता हूँ मैं। ये लोग तो अदर सारी खाना शुरू हो गए हैं, ठीक है, और ये भी खा रहे हैं। और इनका सिस्टम अभी तो यहीं तक था और अभी ख़ुद भी भूख लगी हुई है, पूरा दिन सुबह से ज़्यादा हो गया, तो अभी बटेरों का तो सिस्टम हो गया पूरा। तो जो डक्स हैं उनके लिए अभी जो होती है ना रोटी, वो गिली करूँगा, वो ला के फिर इनको डालूंगा। अब तक के लिए यहीं, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।